हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक ट्राइपॉड का जो कि मैंने मंगाया है अमेजोन से और ये मुझे पड़ा लगभग 800 से 900 रुपए का। तो चलिए फटाफट से मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ और अगर मुझे पर्सनली ये ट्राइपॉड अगर अच्छा लगा तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर के डायरेक्ट अमेजोन में फिर जाकर बाय कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा है इसका बिल्ड क्वालिटी और साथ ही साथ सारा इसका डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात करें डिलीवरी की तो ये डिलीवरी के लिए जो इसमें जो बॉक्स यूज किया गया है ये तो अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर कोई अगर बबल्स वाला जो अपना कवर है रैपर है कुछ तो है नहीं। और ये ट्राइपॉड है दोस्तों ओशाका का और ये ओशाका 550 इसका नाम है, आप लोग देख सकते हो ओशाका 550 और ये लाइट वेट ट्राइपॉड है और ये कंपेटेबल है स्मार्टफोन एक्शन कैमरा कैमरा और आईपैड सबके लिए, ये आप लोग देख सकते हो। तो चलिए मैं इसे भी अनबॉक्स करता हूँ और इसका अनबॉक्सिंग में तो ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा सील है इसे हम ओपन करते हैं और ओपन करते ही अपना ये ट्राइपॉड बाहर निकल के आ जाता है। अच्छा और इसके अंदर कुछ वैसे मैनुअल तो गाइड नहीं दिया हुआ, अंदर देखता हूँ मैं अगर कुछ और होगा तो। और ये एक छोटे से कैरी पाउच के साथ आता है जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी अगर बात करो इसकी क्वालिटी की तो बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक में काम चल जा रहा है। और चलिए मैं ट्राइपॉड को फटाफट से निकालता हूँ, पाउच को अपन साइड रख देते हैं और ये मुझे लगता है इसका मोबाइल होल्डर और ये है दोस्तों ट्राइपॉड। देख सकते हो ये एक्चुअल में मुझे लगता है ये ट्राइपॉड का जो स्टैंड है ये सारा एल्युमिनियम का है और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसका बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है और एकदम से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन बिल्ड क्वालिटी ठीक है। तब अगर इसको मैं रेट करूँ बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो 10 में मैं इसे 8 के अप्रॉक्स रेट जरूर करूँगा। तो चलिए फटाफट से इसे मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को और इसमें मुझे एक चीज़ ये दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ एक वाटर लेवल और लेवलिंग के लिए दिया गया है जिसे अपन इसे लेवल कर सकते हैं और ये स्टैंड है दोस्तों इसका, ये लगभग कितना अच्छा, ये लॉकिंग सिस्टम भी इसका अच्छा लग रहा है और अपन इसे इस तरीके से खड़ा करने के बाद इसे लॉक कर सकते हैं। अगर इसकी टोटल हाइट की बात की जाए दोस्तों तो मेरा हाइट अप्रॉक्स 5.5 फीट है और ये देख सकते हो आप मेरे चेस्ट तक आ रहा है, ये लगभग 4 फीट की हाइट तक ये एक्सटेंड हो जा रहा है और जो कि काफ़ी अच्छा है। इसको मैं थोड़ा छोटा करके आप लोगों को दिखाता हूँ सारा इसका मैं मूवमेंट वगैरह, इसमें मैं आप लोगों को एक फ़ोन होल्ड करके दिखाता हूँ दोस्तों और ये मेरा दूसरा फ़ोन मैं इसको होल्ड करता हूँ। और बात करूँ अगर दोस्तों मैं इसकी ये मोबाइल होल्डर की तो इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, एक्चुअल में इसे होल्ड करने के लिए काफ़ी सही दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इसे काफ़ी आसानी से यहाँ फिट कर सकते हैं। ये सब थोड़ा मैं छोटा करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी पूरी मूवमेंट। तो अब यहाँ से आप लोगों को इसका पूरा मूवमेंट और इसका सारा कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से दिखेगा और काफ़ी डिटेल्ड तरीके से मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसमें मैं अभी आप लोग देख सकते हो ये मोबाइल होल्डर है दोस्तों, ये मोबाइल होल्ड कर दिया हूँ मैंने इसको और इसके मोबाइल होल्डर को निकालने के लिए और लगाने के लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया, इसके आप यहाँ टाइट कर लीजिए मोबाइल के साथ और इसको आप बस थोड़ा सा लूज़ करना है ये यहाँ पे फिट हो जाएगा और इसको अपने को यहाँ से कुछ करके इसे टाइट कर देना है और इसका रोटेशन भी है ऊपर नीचे आप कैसा कर सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल पे रख सकते हो या वर्टिकल कर सकते हो जैसा भी अगर आप लोगों को करने का मन अब उस तरीके से इसको अपन टाइट कर सकते हैं। तो अपन इसे अभी हॉरिजॉन्टल मोड पर रखेंगे और इसे अपन टाइट कर देते हैं
तो ये क्या है, यहाँ से फिक्स हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया यहाँ से हॉरिजॉन्टली फिक्स हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से टाइट हो गया। अब ये क्या है, ये यहाँ अपन इसको अगर टाइट करते हैं तो इसका ये जो सर्कुलर मूवमेंट है ये रुक जाएगा, इसको अपन लूज कर देंगे जैसे थोड़ा सा, तो फिर ये सर्कुलर मूवमेंट होगा, ठीक है। और ये यहाँ से इसका, इसको अगर हैंडल जो है ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये हैंडल को लूज करेंगे तो इसका अप और डाउन का मूवमेंट होता है इस हैंडल से, और अगर अपन इसको टाइट कर देंगे तो इसका अप डाउन का मूवमेंट है ये लॉक हो जा रहा है। अपन इसको थोड़ा लूज करके रखते हैं और इससे अपने इसको अप डाउन का मूवमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये सर्कुलर रोटेशन के लिए ये एक लॉक दिया गया है, ये अप और डाउन के लिए एक लॉक दिया गया है, और यहाँ इसके मोबाइल का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ एक लॉक दिया गया, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। इसको अभी मैंने टाइट कर दिया हॉरिजॉन्टल मोड पे, और ये दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा लूज रखा है, ये अप और डाउन के लिए और ये सर्कुलर रोटेशन के लिए। अभी यहाँ से आप लोग देख सकते हो अपने इसको फिक्स करने के बाद किसी भी एंगल पे इसे रोटेट कर सकते हैं, और ये पूरी तरीके से काफ़ी अच्छा वीडियो शूट हो सकता है इससे, और खासकर ये सब घर में कई फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं, घर में रखे कुछ वीडियो बना रहे हैं, किचन वगैरह का कोई अपन वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है ये ट्राइपॉड। तो पर्सनली मुझे ये ट्राइपॉड तो काफ़ी अच्छा लगा, इसे अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो ओवरऑल अगर इसे मैं रेट करूँ तो 10 में इसे मैं 7.5 रेट करूँगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो इसका मैं लिंक आप लोगों को मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो अगर आप लोग भी इसे बाय करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा करके लिंक से आप डायरेक्ट अमेजोन से इसे बाय कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ मैं अब आप लोगों से अगले वीडियो में और इसी तरीके के किसी अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।